Good morning students. I hope you all are doing well at your home. I welcome you all in the SSC class. So in last video we studied about resources. What do you mean by resources? Types of resources, hana सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्स इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सिस ह्यूमन रिसोर्सिज इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिज एंड नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सिस सो ह्यूमन मेड रिसोर्सिस कौन से होते हैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस आज क्ला कल क्लास में भी मैंने आपको ये जो है एक्सप्लेन किया था तो बेटा जी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी गूगल मीट क्लासेस लगती हैं वो सभी के लिए कंपलसरी होती हैं ज्वाइन करना ठीक है कुछ बच्चों के ऐसे जेनुन रीज़न होते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं इट्स ओके okay, वो मेरे को बता भी देते हैं बट जो मेरे को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं और क्लास को ज्वाइन भी नहीं करते हैं आई एम नोटिंग देयर नेम्स मैं उनके नेम्स नोट कर रही हूँ और आई अश्योर यू दैट कि मैं आपके टेन और फिफ्टीन मार्क्स उसके लिए डिडक्ट करने वाली हूँ उसके लिए कोई भी मैं एक्सक्यूज़ नहीं सुनूँगी आपने अगर नहीं अटेंटिव होना है मेरी क्लासमेट्स ओके दिस इज योर लॉस नॉट माइन। बट आई विल डिडक्ट योर फिफ्टीन मार्क्स कीप इट इन योर माइंड नाउ ओके सो वट डू यू मीन बाई ह्यूमन मेड रिसोर्सिस ह्यूमन मेड ह्यूमन मेड से ही पता चल रहा है जो रिसोर्स ह्यूमन ने बनाए हैं उनको हम क्या बोल देते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सिस तो कुछ रिसोर्सिस जो होते हैं वो नेचुरली अक्कर नहीं होते हैं अर्थ के ऊपर बट वो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं वो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं उनको चेंज करते हैं उनको यूज़ करके एक और नया रिसोर्स बना देते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है कि क्ले को यूज़ किया गया है ताकि वो पोर्ट्स बना सकें पोर्ट्स आर यूज फॉर टू स्टोर फूड एंड वाटर वाटर और फूड को स्टोर करने के लिए पोर्ट्स बनाए गए विद द हेल्प ऑफ क्ले तो इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इम्पोर्टेंस क्या होती है जो ये होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं ये यूज़ेबल होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं इसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे कि वुड है अगर वो फ़र्नीचर में कन्वर्ट हो जाती है मेटल है वो टूल्स बनाने में हो जाता है यूज़ है ना ह्यूमन मेड रिसोर्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम कम्फर्टेबली रह सकें जैसे कि फ़ोनज़ हैं कम्युनिकेट करने के लिए हैं हैं राइट करने के लिए हैं तो ये जो हैं हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो नेचुरल यूज जो नेचुरली रिसोर्सिस को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हैंड पंप लगाया जाता है ताकि ग्राउंड वाटर को सीधा वो क्या कर सके अपनी तरफ खींच सके और हम उसकी हेल्प से अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकें ठीक है तो ये इंपॉर्टेंस थी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की जो ह्यूमंस ने बनाए नेक्स्ट आ जा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पीपल होते हैं जो पर्सन होते हैं जिनके पास स्किल एंड नॉलेज होती है उनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोल देते हैं ह्यूमंस के पास एबिलिटी होती है कि वो रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर सकें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनकी मैंटल एंड फ़िज़िकल एबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है ठीक है जैसे कि एजुकेशन है अगर एजुकेशन लेते हैं हम तो हमें नॉलेज और स्किल मिलती है उससे जैसे कि इंजीनियर है वो अपनी नॉलेज यूज़ करेगा ब्रिज बनाने के लिए उसके लिए हेल्थ भी चाहिए है ना? जो हेल्थ मिलेगी हमें आ, मतलब स्ट्रेंथ मिलेगी हेल्थ से काम करने की साइंटिस्ट का अगर साइंटिस्ट ब्रिज बना रहा है तो वो हेल्दी होना चाहिए माइंड से भी और हेल्थ से भी बॉडी से भी ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सके तो उसको हम बोल देते हैं गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है अब अगर ह्यूमन रिसोर्स का माइंड जो है फ़िज़िकली एंड मेंटली फ़िट होगा उसकी बॉडी फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट होगी तो वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है सभी रिसोर्सेज को और नए रिसोर्सेज भी बनाएगा जैसे कि वो अपनी नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हैं प्लांट्स को कन्वर्ट कर देते हैं मेडिसन्स में प्लांट्स से मेडिसिन बनाते हैं नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट रहेगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स डिसीज़ेस थी जिनका पहले नहीं था क्योरमेंट नहीं था उनका इलाज नहीं होता था बट अब होता है ना तो ये न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और इम्प्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को जो अब हैं उनको भी इम्प्रूव कर देते हैं जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत सारी कैंडल्स यूज करते हैं ना ताकि प्रोड्यूस कर सकें इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब कम क्लियर है आपको अब हमारा हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सिज़ होता है कि हम अपने रिसोर्सिस को बहुत ही केयरफुली यूज़ करें और अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यूजेज जो है वो कम कर दें है ना फ्यू चार्ट है अगर ह्यूमन बीग जो है वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड है इंडस्ट्रीज भी हैं वो रिसोर्स को फटाफट से ख़त्म करते जा रहे हैं ख़त्म करते जा रहे हैं यूज़ करते जा रहे हैं अगर ये ऐसा हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं है ना जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो अगर ह्यूमन जो है कंजर्व करता है रिसोर्सिस को उनको क्लियरली या फिर केयरफुल यूज़ करता है तो वो ख़त्म नहीं होंगे बहुत टाइम तक ख़त्म नहीं होंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है जो कि कंडक्ट की जाती है ताकि नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो ख़त्म ना हो और हमारा काम भी हो जाए है ना कंजर्वेशन जो है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लेके आ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कैन ऑल्सो भी कैरीड आउट बाई फाइंडिंग न्यू वेज़ टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सिसज हम इन्वायरमेंट को हार्म भी ना करें और ह्यूमन मेड रिसोर्सिस भी जो हैं वो रेडी हो जाएं ओवर यूजिंग ना हो है ना तो कैसे है जैसे कि न, और हम ट्री की हेल्प से जो है वो पेपर बनाते हैं ठीक है बट अगर हम रिसाइकलिंग करें पेपर्स की जो वेस्टेज है उसको दोबारा पेपर में कन्वर्ट करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही रहेगा और हमारे डिफॉरिस्टेशन भी जो थोड़ी कम हो जाएगी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑयल है ना कॉल जो है कॉल को बर्न करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है अगर हम उसकी जगह सोलर और विंड एनर्जी अगर यूज करते हैं तो भी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है तो इससे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यू हैव टू लर्न ऑल दी क्वेश्चन बेटा मैंने कल भी आपको क्वेश्चन सेंड किए थे योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन एंड योर वर्क शुड बी कंप्लीट कंप्लीट होना चाहिए आपका वर्क अगर कुछ समझ नहीं आया यू कैन कंटेक्ट मी ओके हैव है नाइस डे